दलित डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम साथियों, मैं साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है और मैं दिल्ली की जनता और पूरे देश भर में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ 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 मास्क पहनिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार आपका ख्याल नहीं रखेगी। सरकार ने जो है पूरी तरह से ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर थोप दी है कि आपको खुद बचना है। तो मास्क पहनिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दिल्ली में बीते शनिवार इतवार को वीकेंड कर्फ्यू था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है कि आज रात 10 बजे से लेकर और जो है अगले सोमवार तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा, जिन्हें जिसको दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू का नाम दिया है कि एक हफ्ते कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन को लेकर लोगों में डर बना हुआ है और निरंतर वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जो बाहर से मजदूर या बाहर से जितने भी लोग आकर दिल्ली में रह रहे हैं, उनको दिल्ली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी एक डर तो है लोगों में, जो जैसा पिछले साल जो लॉकडाउन में उन्होंने देखा है, तो निश्चित तौर पर डर बना हुआ है लोगों के अंदर। तो एक हफ्ते का लॉकडाउन है दिल्ली में और इसमें क्या कुछ खुला रहेगा और क्या नहीं खुला रहेगा, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मास्क पहनिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करिए। और मैं साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। जय भीम, जय भारत।